मॉर्निंग गाइस। ओके सो दिस इज़ डे टू। कल का सारा दिन जैसे आपको पता है हमारा ट्रैवल में निकल गया था और रूम में आके हम काफ़ी ज़्यादा थक गए थे बिकॉज इट टुक अराउंड मोर देन 15 आवर्स टू रीच मनाली बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक फॉग। सो ओवरऑल एवरीथिंग करते करते हम 4:30 हमने यहाँ चेक इन करा। वेदर बहुत ज़्यादा एक्चुअली में बाहर बहुत ख़राब था, बारिश सारी रात होती रही है। एंड जो आपने इससे पहले छोटी सी क्लिप में देखा कि सामने रात को स्नोफॉल हुई थी। अब बात करते हैं आज की। सो आज वी हैव प्लान टू गो टू द ऑब्वियसली सोलांग वैली एंड देन अटल टनल। सोलांग वैली का जो सोलांग नाला का रोड है वहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक है, सबसे पहले तो संडे की वजह से, दूसरा जो ट्रैफिक है पीक आवर्स का। और अगर सोलांग वैली नहीं हो पाता देन विल गो टू द सोलांग वैली टुमारो एंड जैसे भी होगा आपको अपडेट कर देंगे। सो लेट्स गो। ओके गाइस, सो वी आर हैविंग ब्रेकफास्ट नाउ एंड आई होप सब कुछ रेडी है और ये सब रेडी हो गए हैं। सो लेट्स सी व्हाट दे आर डूइंग। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए पराठे खा लीजिए आप लोग। विद दिस लवली वेन्यू। ठंड हो रही है अभी तो और कुछ नहीं हो रहा। व्यू। सॉरी। क्या ठंड लग रही है? प्लेटें ठंडी पड़ गई हैं। अच्छा। चिल चिल चिल्ड। और ये कोल्ड कॉफी के लिए जरा गिलास दे दो। कोल्ड चाय कोल्ड कॉफी। सही बात है। ठीक है तो ब्रेकफास्ट करें फटाफट निकलते हैं। हाँ आगे भी जाना। रेडी है बिल्कुल गणेश? बिल्कुल मैं तैयार हूँ। यस यस टोटली। चाय आई है जी? या रेडी। ठीक है जी तो फिर ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं अपना और फिर आगे अपडेट आपको देते हैं। चलो चले। सो हाय गाइस वंस अगेन, आप देख पा रहे हैं कि जैसे कि इट्स ऑलरेडी पैक हियर टुवर्ड्स सोलांग वैली। सो हमारा जैसे कि प्लान था कि अटल टनल ट्राई करेंगे दो इट वाज वहाँ पे काफ़ी बर्फ थी, बट यहाँ तो सोलांग वैली भी हम नहीं जा पा रहे जस्ट बिकॉज ऑफ दी यू नो लॉन्ग वीकेंड ट्रैफिक। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सिंगल लेन के साथ हमारे राइट साइड पे एक और लेन चल रही है जो कि ट्रैफिक ब्लॉक कर रही है आगे का। सो वी हैव प्लान कि अभी हम यहाँ से यू टर्न लें बिकॉज शाम हो जाएगी हमें पहुँचते पहुँचते। सो आई डोंट थिंक दिस इज़ द राइट टाइम टू गो, बट ट्रैफिक ही इतना, अब ट्रैफिक की वजह से अब सिनेरियो ऐसा हो गया कि अब जाए नहीं जाए वही है क्वेश्चन। क्या कहते हो गर्ल्स? एब्सोल्युटली करेक्ट। अभी बिकॉज़ हम बहुत देर से ऑलरेडी हैं ट्रैफिक में तो फिर कोई पॉइंट नहीं लग रहा वहाँ जाना प्रैक्टिकली अगर हम सोचे तो। सो आज हम मॉल रोड एक्सप्लोर करेंगे और विल सी और क्या हम एक्सप्लोर कर सकते हैं और हम क्या ढूंढ सकते हैं बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट राइट। और यहाँ पे लोग जान पहचान वाले मिल जाते हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे को मेरा जान पहचान वाला मिल गया, बट बुलाते हैं मगर जाने का नहीं। क्या You just take the U-turn towards our hotel. तो देखते हैं अभी क्या कर पाते हैं हम आगे and see you with some cinematics. Bye. All right, guys. So we just take a halt when we are heading back to Mall Road. सो छोटा सा ब्रेक लिया था, बाकी वेदर तो काफ़ी अच्छा हो गया है। अभी थोड़ी देर पहले काफ़ी सनलाइट थी। लेट मी कॉल रेस्ट ऑफ देम। अब हम यहाँ आए हैं, अब व्यू देख सकते हैं कैसा लग रहा है आपको? यहाँ पे हमने बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड किया, हमने बहुत मस्ती करी यहाँ पे। हम सोलांग वैली तो नहीं जा पाए बट ठीक है, ये भी बहुत सुंदर लग रहा है। मेरे ख्याल से ये पिकनिक स्पॉट बन चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे लोग हैं, काफ़ी लोग थे यहाँ पे, अभी भी गए हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे शूट करा के। बहुत अच्छा है। Hi guys, so we have take a short break to have the best part of Himachal or you can say hills, Maggi. Yeah. So Maggi or tea, हम यहाँ पे
खाने के लिए। सो उसके बाद हम मॉल रोड जाएंगे। आई नो हम बता रहे हैं, रुक रहे हैं, बता रहे हैं, बट ये है कि इट्स पार्ट ऑफ द ट्रैवल, यू नो, कि जब डिसाइडेड कुछ नहीं होता ना तो इसका भी अपना मज़ा होता है। तो बाकी आप ये बताएंगे आपको कैसे इनका एक्सपीरियंस रहा फिलहाल। आने वाली है गाइस मैगी, सबकी फेवरेट होती है मैगी, और पहाड़ों की मैगी का तो स्वाद ही अलग होता है। खाली बैठा नहीं जाता। सो अभी तक कैसा लग रहा है आपको डेट टू वैष्णो देवी? बहुत अमेजिंग है, सब कुछ अनएक्सपेक्टेड सा है, लेकिन इट्स लवली। बर्फ चाहिए। सब कुछ अनप्लान्ड है, पर कभी कभी अनप्लान में ही बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता है। Correct. क्योंकि ये व्यू हम अगर जा रहे होते तो हम यहाँ पर नहीं रुकते कभी। And that too when you travel in peak hours. Correct. And that too travel when we are traveling in peak hours and but it's good, it's nice. We are collecting memories. So अब कल के लिए कैसे करना फिर? कल के लिए हम आपको कल ही बताएंगे कि हम कल क्या करने वाले हैं, क्योंकि हमें खुद नहीं पता कि हम क्या करने वाले हैं। So it depends on the weather. But I have decided something. अगर कुछ होता है उसके हिसाब से then we follow the same decision. बाकी देखते हैं क्या होता है। Hope for the best. Alright guys, तो चलते हैं अपनी next destination. So finally we are at Mall Road. बहुत ज़्यादा traffic था और काफ़ी ज़्यादा time लग गया हमें यहाँ पहुँचने में, but we finally are here. Guys बहुत traffic है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा, इतने लोग, मुझे लग रहा है सब पूरी दिल्ली, पूरी दुनिया यहाँ आ चुकी है। मनाली इज द न्यू हब। वी आर एट Mall Road. So let's go for dinner now and उसके बाद we'll head back to the hotel, क्योंकि already काफ़ी ज़्यादा time हो चुका है और हमें भूख भी लग रही है। काफ़ी ज़्यादा traffic है roads पे भी और city में तो बहुत ज़्यादा है। Mall Road की बात करें तो मैंने इतना ज़्यादा Mall Road अपने time में कभी भी pack नहीं देखा जब, और काफ़ी ज़्यादा heavy traffic है, साथ में long weekend भी आ गया। So चलो let's close the day from Mall Road itself. तो गाइस बहुत ही डिफिकल्टी से हमारे को रेस्टोरेंट मिला है डिनर करने के लिए, बालाजी रेस्टोरेंट पर। फील सो लकी हमें मिला फाइनली कुछ। पूरा मॉल रोड ऑक्यूपाइड है, देयर इज नो प्लेस टू सिट, सिट टू स्टैंड, नॉट इवन स्टैंडिंग। बहुत 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 ज्यादा भीड़, इतना टाइम से आ रहा है भाई तो, एंड भाई इज लाइक फर्स्ट टाइम देखा मैंने इतना ज्यादा, बहुत डेस्परेट थे लोग ट्रैवलिंग के लिए लग रहा है, बस बहुत डेस्परेट लग रही है। अब बहुत ही भूख लग रही है और अब डिनर के लिए यहाँ पर रुके हैं, अब वेटिंग फॉर दी फूड, बस खाएंगे तो जान आएगी और फिर आपको नई स्टोरी सुनाएंगे। सो गाइज वी आर बैक टू होटल, नॉट एबल टू गो टू दी सोलंग वैली एंड टनल तो वो बता रहे हैं बंद ही है बिकॉज नॉर्थ पोल में काफ़ी ज़्यादा हैवी स्नोफॉल हो गया है। अब ये लोग भी आ गए हैं, बहुत बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, इतने ट्रैफिक, इतने लोग, ऐसा लग रहा है पूरी दुनिया आ चुकी है मनाली में। सुजे टोटली टायर्ड एंड इट वॉज अमेजिंग डे बट टायरिंग एज वेल, सो बाय बाय फ्रॉम माई साइड, गुड नाइट। सो आज के लिए इतना ही, सी यू टुमारो विद नेक्स्ट डेस्टिनेशन। सो बाय एंड गुड नाइट, स्लीप वेल।